2 फरवरी 2022 को यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने एक बिल साइन किया जिसका नाम था घोस्ट आर्मी कांग्रेशनल मेडल एक्ट। इस बिल का पर्पस मेंशन था वर्ल्ड वॉर टू में घोस्ट आर्मी के यूनिक और डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के रिकॉग्निशन के लिए उनको कांग्रेशनल गोल्ड मेडल से सम्मानित करना। लेकिन आखिर ये घोस्ट आर्मी है क्या और इसे इतने प्रेस्टिजियस मेडल से आखिर क्यों सम्मानित किया जा रहा है? नमस्कार दोस्तों, स्टडी ग्लोज में आपका स्वागत है। मैं हूं शशांक पांडे और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे यूएस के इस घोस्ट आर्मी और उसके वर्ल्ड वॉर टू में किए गए कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि भले ही इस यूनिट को घोस्ट आर्मी कहा जाता है, लेकिन इस यूनिट का भूत वगैरह से कोई रिलेशन नहीं है। ये कहानी ऐसे आर्टिस्ट सोल्जर्स की है जिन्होंने बिना हथियार उठाए केवल अपनी कला की बदौलत ना केवल कई सोल्जर्स की जान बचाई बल्कि यूएस और अलाइड फोर्सेज की बहुत हेल्प भी की वॉर जीतने में। इस कहानी की शुरुआत वर्ल्ड वॉर टू के तीसरे साल यानी 1942 में होती है, जब वर्ल्ड वॉर टू अपने तीसरे यानी टाइट टर्निंग फेज में पहुँच चुकी होती है और जब तक यूएसए और यूएसएसआर भी इस वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो चुके होते हैं। इसी साल के अंतिम महीनों में एक बैटल होती है जिसे सेकेंड बैटल ऑफ एल अलामीन भी कहा जाता है और इस बैटल में हजारों ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सोल्जर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। इस बैटल में ब्रिटिश कॉमनवेल्थ फोर्सेज की जीत होती है और इस बैटल में जीतने की वजह से ब्रिटिश आर्मी इजिप्ट, स्विस कनाल, मिडिल ईस्ट और पर्शिया के ऑयल फील्ड पे से एक्सिस थ्रेट्स को एलिमिनेट कर पाती हैं। इस बैटल को जीतने में उनकी सबसे ज़्यादा मदद करती है डिसेप्शन यानी दुश्मन को धोखे में रखने की एक नई टेक्निक। इस टेक्निक के तहत पहले तो मूवेबल जीप्स के ऊपर बैटल टैंक्स का प्लाईवुड से बना ढांचा रखकर धीरे धीरे उसे दूसरे डायरेक्शन से एनिमी की तरफ मूव कराया जाता है और जब एनिमी फोर्सेस का ध्यान उस पर केंद्रित हो जाता है तब उन पर ब्रिटिश कॉमनवेल्थ की फोर्सेस दूसरी तरफ से अटैक कर देती हैं और दुश्मन का उन पर फोकस नहीं होने की वजह से बैटल को जीत लेती हैं। कुछ समय बाद अमेरिकन गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को ये टेक्निक पता चलती है और वो भी इसमें बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, जिसकी वजह से वर्ल्ड हिस्ट्री में पहली बार एक डिसेप्शन यानी दुश्मन को धोखे में रखने के लिए एक फुल फ्लेज्ड आर्मी यूनिट बनाई जाती है। इस आर्मी यूनिट में ऑलरेडी सर्विंग सोल्जर्स को नहीं बल्कि न्यूयॉर्क और फिलाडेल्फिया में अमेरिकन आर्ट कॉलेजेस और स्कूल्स में पढ़ रहे स्टूडेंट को रिक्रूट किया जाता है और 23rd हेडक्वार्टर स्पेशल ट्रूप्स नाम की एक नई यूनिट बनाई जाती है। इसी यूनिट को आज की डेट में हम लोग घोस्ट आर्मी के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि इस यूनिट के लोगों का IQ बाकी के सोल्जर से ज़्यादा होता है और 20th जनवरी 1944 के दिन इस हाई IQ यूनिट को कर्नल हैरी एल रीड की लीडरशिप के अंडर ऑफिशियली एक्टिवेट कर दिया जाता है। इन 30,000 आर्टिस्ट्स और सोल्जर्स की इस यूनिट के ऑपरेशन को टॉप सीक्रेट रखा जाता है और इन्हें कई छोटे छोटे ग्रुप्स में बांटकर वॉर में अलग अलग टाइम पर अलग अलग जगह डिप्लॉय किया जाता है। ये यूनिट ब्रिटिश यूनिट्स की तरह केवल एक एस्पेक्ट पर नहीं बल्कि डिसेप्शन के 3 एस्पेक्ट्स पर काम करती है, जो कि होते हैं 1 विजुअल, 2 सोनिक और 3 रेडियो। विजुअल डिसेप्शन 603rd इंजीनियर कैमोफ्लाज बटालियन के द्वारा हैंडल किया जाता है और वो वॉर में यूज़ होने वाली हर तरह की गन्स, कैनन्स और टैंक्स और बाकी हैवी व्हीकल्स के बलून या रबर मटेरियल के इन्फ्लेटेबल मॉडल्स को डिप्लॉय करते हैं और उन्हें ऐसा डिज़ाइन करते हैं कि कुछ डिस्टेंस से देखने पर वो असली मालूम हो। कई बार वो नकली ह्यूमन मॉडल्स को भी डिप्लॉय करते हैं ताकि दूर से या एरोप्लेन्स के थ्रू एरिया को सर्वे कर रहे दुश्मन को ये लगे कि इस तरफ एक बड़ी यूनिट डिप्लॉयड है और वो अपना फोकस उन्हीं पर केंद्रित रखे जब तक असली यूनिट्स उन पर दूसरी तरफ से अटैक ना करते। ये यूनिट अपने काम में इतनी प्रोफेशनल होती है कि दुश्मन को कोई शक का मौका ही नहीं देती है। अगर आपने आज तक कभी असली बैटल टैंक को देखा है तो आप जानते होंगे कि बैटल टैंक जहाँ से चल कर जाते हैं वहाँ की ज़मीन पर वो मार्क्स छोड़ देते हैं। ये यूनिट इन छोटी छोटी डिटेल्स पर भी इतना फोकस करती है कि बुलडोजर्स के थ्रू
नकली टैंक के और बाकी व्हीकल्स के मूवमेंट के मार्क्स भी बनाती है ताकि एरियल सर्वे में कहीं से भी दुश्मन को कोई शक ना हो सके। सोनिक डिसेप्शन और ऑडियो ट्रिकरी को 3132nd सिग्नल सर्विस कंपनी के द्वारा हैंडल किया जाता है और वो भी दुश्मन को इस नकली डिप्लॉयमेंट का कोई हिंट ना मिल सके इसी पर काम करते हैं। ये यूनिट अपने साथ बड़े बड़े स्पीकर्स और कैसेट्स कैरी करती है जिसमें टैंक्स और बाकी व्हीकल्स की मूव करने की आवाज़ें होती हैं और बाद में इन्हें प्ले कर दिया जाता है ताकि दुश्मन को लगे कि असली यूनिट उनकी तरफ मार्च करते हुए अप्रोच कर रही है। ये यूनिट इतनी प्रोफेशनल होती है कि इसके पास खुद की एक रेडियो डिसेप्शन टीम भी होती है जिसे सिग्नल कंपनी के स्किल्ड रेडियो ऑपरेटर्स हैंडल करते हैं। ये रेडियो ऑपरेटर्स असली टैंक यूनिट्स की तरह कम्युनिकेट करते रहते हैं ताकि अगर दुश्मन इनकी फ्रीक्वेंसी को भी रीड कर लेता है तो भी उसे शक ना हो पाए कि ये असली यूनिट नहीं है। और ये ऑपरेटर्स हर वो चीज़ करते हैं जो एक असली टैंक यूनिट करती है, हर तरीके से हर एक एक्शन को मिमिक करते हैं। इस यूनिट के लोग अक्सर ही पब्लिक अपीयरेंसेस भी करते रहते हैं और जब भी वो बाहर जाते हैं तो एक फुली केपेबल यूनिट के बैजेस लगाकर जाते हैं ताकि अगर कोई इन्फॉर्मर उन्हें देखे भी तो गलत इन्फॉर्मेशन ही रिपोर्ट करे। इस यूनिट के साथ कई बार कई फनी प्रॉब्लम्स भी होती हैं लेकिन वो कभी भी दुश्मन की नज़र में नहीं आ पाती हैं। इस यूनिट में सर्व कर चुके जैक मेसी बताते हैं कि कई बार ये बलून और रबर मटेरियल के बने कैनन्स और टैंक बैरल्स फुली इन्फ्लेटेड ना होने की वजह से लटकने लगते थे जिससे उन्हें डर लगा रहता था कि कहीं से किसी दुश्मन की उन पर नज़र ना पड़ जाए। कॉर्पोरल आर्थर शाइलस्टोन जो इस यूनिट में गार्ड ड्यूटी करते थे और जिन्होंने ये पेंटिंग बनाई है वो भी एक किस्सा बताते हैं जिसमें दो लोकल फ्रेंच लोगों ने एक बार चार घोस्ट आर्मी के सोल्जर्स को एक नकली यानी रबर से बनी हुई टैंक को उठाते हुए देख लिया था और उसे ये नहीं पता था कि ये नकली टैंक्स हैं और इसकी वजह से वो काफ़ी शॉक्ड हो गया था कि चार लोग मिलकर कैसे इतने भारी टैंक्स को उठा पा रहे हैं। वॉर के दौरान ऐसी और भी कई प्रॉब्लम्स आई इस घोस्ट आर्मी को लेकिन कभी भी दुश्मन को इस सीक्रेट यूनिट के बारे में पता नहीं चल सका। ये यूनिट इतनी इफेक्टिव थी कि इस वॉर के ख़त्म होने के लगभग 50 साल बाद तक भी इस यूनिट को सीक्रेट रखा गया ताकि अगर और कोई वॉर हो तो उसमें भी इसका यूज़ किया जा सके। ये था एंड इस वीडियो का। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ नया जानने को मिला होगा और आपको समझ आ गया होगा कि इस घोस्ट आर्मी का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था वर्ल्ड वॉर टू में। और अगर आप ऐसी और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।